राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा व्हाट थॉट्स क्रॉस्ट योर माइंड व्हेन यू फर्स्ट इंटर द श्राइन एंड यू परफॉर्म द फर्स्ट आरती टू राम बहुत ही बड़ा भावुक सवाल आपने पूछा है देखिए जिस समय मुझे अयोध्या के इस ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने आकर के निमंत्रण दिया प्राइम मिनिस्टर को बहुत निमंत्रण आते हैं लेकिन इस निमंत्रण ने मुझे जग दो दिया और जब से निमंत्रण मिला तब से मैं एक प्रकार से उस स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में डूबता गया मेरे पास शब्द तो है नहीं कि मैं इसका वर्णन कर सकूं, और जो बड़े विज्ञान और अध्यात्म को दुश्मन मानते हैं एक दूसरे का उन लोगों के लिए हो सकता है मेरी बातें बहुत बड़ा मजाक का एक हथियार भी बन जाए लेकिन मैं कुछ और अनुभव करने लगा और लगकर भाई थी उसके बाद मैंने एक तय किया कि मैं 11 दिन का अनुष्ठान करूंगा उसमें भी मैंने क्या तय किया कि मैं अनुष्ठान खास करके दक्षिण में mm -hmm. प्रभु राम जी के साथ जुड़े हुए जितने स्थान हैं वहाँ पर समय बिताऊंगा पार्टी का भी काम करूंगा सरकार भी काम करूंगा लेकिन मेरा बाकी समय मैं अपना स्पिरिचुअल एक्टिविटी में लगाऊंगा और उस ग्यारह दिन के अनुष्ठान में मैं एक प्रकार से पूरी तरह अंतर्मुख हो चुका था मेरे मन में यही भाव था और जब मैं अयोध्या पहुंचा जब मैं एक एक कदम चल रहा था मैं यही मेरे मन में मंथन चल रहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं इसलिए यहां जा रहा हूं क्या कि मैं भारत का एक नागरिक के नाते जा रहा और मैं हमेशा फील करता था कि मैं वैसे एक सौ चालीस करोड़ देशवासियों की तरह मैं सामान्य भक्त के रूप में जा रहा कोई मेरे आस पास भी कहीं पी एम मंडरा नहीं रहा था मैं उसे परे हो चुका था और तो यही रहता था देश 500 सौ साल का संघर्ष लाखों लोगों के बलिदान लाखों लोगों की तपस्या यात्राएं पाँच सौ साल अनेकों पीढ़ियों की आशा आकांक्षा भक्ति एक एक नगर पर मैं फील करता थी कितना बड़ा इसके साथ जुड़ा हुआ है तो मैं इस भाव अवस्था में टेंपल में एंट्री किया पहले तो मैं अनुभव करता था 140 करोड़ देशवासियों का सपना आज पूरा हो रहा है एक टर्निंग पॉइंट है वगैरह वगैरह लेकिन जैसे ही राम लला के सामने पहुंचा तो पहले मेरी नजर उनके चरण पे गई और दूसरी मेरी नजर उनकी आंखों पर गई और वहीं मैं अटक गया कुछ पल तो हमें जो पंडित थे वो ये करो वो करो मेरा ध्यान ही नहीं रहता था मेरा ध्यान उसी में लग गया और मैं पता नहीं ऐसा मेरे मन में जो विचार भाव प्रकट हुए वो ये थे कि रामलला जी मुझे कह रहे हैं कि अब स्वर्णिम युग प्रारंभ हो चुका है भारत के दिन आ चुके हैं भारत आगे बढ़ रहा है और 140 करोड़ देशवासियों के सपने उनकी आंखों में मैं देख रहा था और मैं मानता हूं मेरे मन में मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी शायद ही शायद ऐसी पल क्योंकि मेरे जीवन में बहुत से रहे हैं लेकिन वो पल बाद में तो आरती वगैरह जो रिचुअल था वो भक्ति भाव से करता ही था लेकिन ये जो मैं व्यक्तिगत तो अनुभूति करता था वो मैं शब्दों में नहीं बता सकता